बीजेपी भी सरकार बनाना चाहती है तो वह बैलेट पेपर पर चुनाव करे, हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी उसका समर्थन करती है। बीजेपी का आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करती है? हाँ, कहते हैं कि बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लोग फंडिंग लेते हैं, करते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। मुखिया का चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये ईवीएम से होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर से होता है। क्यों क्यों होता है? वो भी तो होना चाहिए ईवीएम से। एक लोकतंत्र में दोहरी नीति चल रही है। जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, ईवीएम बंद करा के रहेंगे हम लोग। किसी का भी बने तो हो जाएगा काम। हाँ। आपको लगता है किसी का भी सरकार कांग्रेस का नहीं बनेगा? बीजेपी भी सरकार बनाना चाहती है तो वह बैलेट पेपर पर चुनाव करे, हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी उसका समर्थन करती है। बीजेपी का? हाँ। आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करती? हाँ, कब तक? जब तक वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा करके जीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। हाँ। जिसे हम आप आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से छू करके उसका अनुभव कर सकते हैं। मगर ये जो बैलेट पेपर है इसका वेरिफिकेशन होता है, इसे फिजिकल तौर पर अगर जिनके पास आंख नहीं है तो वो लोग अगर अंधे हैं तो वो किसी बगल वाले से पूछ लेते हैं कि देख भाई मैंने जो ठप्पा लगाया, क्या मैंने जो घोड़े को ठप्पा लगाया क्या उसके स्टैम्प पेपर पर सही पड़ा, तो अगला बोलता है कि हाँ ये बराबर है, ठीक है। और ये ईवीएम जो है इसमें हमने वोट डाला, वो वोट किधर गया पता ही नहीं चलता। तो दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सारी चीजें डाटा ट्रांसफरेबल है, जैसे आपका मोबाइल है, हमारा मोबाइल है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जोड़े बगैर उसका डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ से चांदमा पर हमारे भारत के वैज्ञानिक ने जो सैटेलाइट भेजा उसके लिए कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं है, मगर उसका डाटा अगर किसी भी प्रकार की उसमें फॉल्ट होती है तो उसको यहाँ इसरो में बैठे हुए हमारे वैज्ञानिक बैठ करके यहीं से 384,000 किलोमीटर ऊपर उस डाटा को सुधार किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा कहना है, हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी की, अगर बीजेपी स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव लड़ना चाहती है, भारत में लोकतंत्र को बचाना चाहती है और जीतना चाहती है, तो वह बैलेट पेपर पर आवे, हमें उसके लिए कोई विरोध नहीं है। अच्छा, अगर बैलेट पेपर से बीजेपी चुनाव करती है तो आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, बैलेट पेपर को समर्थन करेंगे, बीजेपी को नहीं समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करेंगे, कांग्रेस को समर्थन करने नहीं हूँ। प्रक्रिया जो है, मैं सिर्फ अपना बहुजन मुक्ति पार्टी का ही समर्थन करूंगा, मैं दूसरे को समर्थन नहीं करूंगा। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि भारत में लोकतंत्र कायम है। अच्छा। हमारे कहने का ये मतलब है। एक बात अभी पूछे थे आपसे कि लोग कहते हैं कि बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लोग फंडिंग लेते हैं, करते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, उसी बात नहीं है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ना, हम लोग पैसा से होता है, ये कहूँ से किसी ईरानी अंबानी के चंदा से नहीं होता है। ये गरीब लोग चावल और दाल बेच कर देते हैं पैसा, कोई 100 रुपया देते हैं, कोई 200 रुपया देते हैं, उस फंड को हम लोग जमा करते हैं, उसके वो पैसा से ही राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। हम लोग खाना खाते हैं, कोई वीआईपी खाना हम लोग नहीं खाते हैं, दाल भात जो सब्जी घर में खाते हैं वहाँ भी हम लोग बनाते हैं, रोटी बनता है, सब्जी बनता है। ये जो बोलता है यार सुने कि बहुत लोग चंदा करता है, खाता है, खाता है, यहाँ मीट मछली, हम लोग मीट मछलियाँ खाते हैं, कोई यहाँ सादा खाना बनकर मिलता है हम लोग को, वो जो बोलता है ना वो गद्दार होता है, गद्दार है वो आरएसएस का। तो अच्छा, अभी आप एक बात और कह रहे थे कि जो है आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपकी बात जो है तभी पहुंच सकती है जब मीडिया काम करेगा। भारत में जो सारा मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है। हाँ, मोदी मीडिया। बात सही। तो अब ऐसे में जो है आप कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? ये आरएसएस जो मोहन भागवत है, ये नरेंद्र मोदी, अगर बामसेप का 90 संगठन है, 90 संगठन को अगर किसी मोदी मीडिया चाहे प्रेस वाला अगर बराबर उसको अगर देखा महीना दिखा देता है तो भारत में आग लग जाएगा। अच्छा, लेकिन दिखाना नहीं है, उतने भर दिखाओ, टीवी पर दिखाओ नहीं, पेपर में हल्का दो, लेकिन पूरा का पूरा करोगे लाइसेंस रद्द कर देंगे हम।
कि अगर गाय मर जाता है तो नाला में आदमी गिर जाता है चाहे भैंसा गिर जाता है उसको पूरा हाइलाइटेड करता है लोग, लेकिन हमारा इतना बड़ा संगठन है, देख रहे हैं टीवी पर, क्या देखे टीवी पर? तो फिर आपने अपना टीवी क्यों नहीं बनाया? अपना बन रहा है ना टीवी हम लोग का है ना। अच्छा, पैसा ना लगता है? अब चोरी तो नहीं, रानिया मानी ना मेरे पास है, हम लोग ओबीसी एससी एसटी वालों से नहीं लेते हैं फंडिंग, और माइनोरिटी लोगों से फंडिंग लेते हैं, हम लोग थोड़ी जाते हैं अगली जाति से पैसा लेने के लिए कि लाओ पैसा भाई। हम लोग अपने लोग मिलकर देते हैं, कोई 100, कोई 50, कोई 5,000, कोई 10,000, अपना जितना बना लोग संगठन में देते हैं। आपने जो टीवी बनाया उसको तो सिर्फ आप लोग देखते हैं ना? नहीं पूरे उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं, पूरा नहीं। उसका पूरा उसको जैसे आप लोग बाकी दूसरे चैनल आज तक को तो सारा लोग देखते हैं, बट आपका चैनल तो दूसरे लोग नहीं देखता हूँ। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, मेरा न्यूज नहीं देता इसलिए टीवी पेपर मैं नहीं देखता हूँ। मैं मेरा सोशल मीडिया है MNTV, वो हम लोग का जितना भी लोग अपने पटना में जैसे कि 1,000-5,000 लोग जुड़े हुए हैं वो उसको कह दिया है कि वो तुम लोगों फैलाओ उधर, वो हम लोग उसको ये वजह जब ये सोशल हम लोग एक MNTV से काम चल जाएगा कि बाकी भी जितना सोशल मीडिया है वो भी कुछ कर, आप बताइए अगर हम टीवी वाला के बुलाएंगे यहाँ कि भाई लो हो सब सारे लोग न्यूज वाले आएंगे यहाँ फोकस दिखा देंगे कहेंगे इतना पैसा लाओ मैं निकालूंगा, लेकिन पटना में मैंने देखा कि एक बार मीटिंग किया पैसा भी लिया हमसे लेकिन दिखाता नहीं है, उसको डर लगता है, वो पैसा देता है 20,000-30,000-40,000 रुपया देते हैं तो उसको ना दिखाएगा कि मेरा दिखाएगा। अब तो जितना भी मीडिया है ना लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब वो पैसे बिकते हैं, 1,00,000-2,00,000-5,00,000 पर चलते हैं बिना पैसा के। पहले तो पैसा की बात होता नहीं था, कहा सबको दिखाते थे वो लोग, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, जो उनके समर्थन में है जो उनका विरोध नहीं है उनका दिखाता है। तो आपको लगता है कि इस पूरे प्रक्रिया से जो अधिवेशन ये तमाम जो चीज़ें हैं इससे बदलाव आएगा आपको लगता है? बहुत बदलाव आएगा, बदलाव हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है, अभी है बदलाव हम लोग का जो कर रहे हैं। हम लोग के ये करीब एक ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, 70 देश में मेरी संगठन है बामसेप का जी। और यहाँ सभी जगह से लोग आते हैं। अभी हम लोगों को ने बनाया एक साहेब बनवाए क्षत्रिय मूल निवासी संघ, वो लोग भी अब समझ ले कि मैं भी शूद्र हूँ। वो लोग पहले समझते थे कि मैं तो राज क्षत्रिय हूँ, लेकिन पूर्व का क्षत्रिय हम लोग हैं, वर्तमान के क्षत्रिय जो ब्राह्मणों दिया बनाया गया वो लोग राजपूत हैं, समझ गया ना जी। हम लोग पूर्व के हैं, पूर्व में कोई जाति के नहीं होता था, 6,443 जातियां में हम लोग बांटे गए हैं, हम लोग सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन बांटा गया इसलिए कि हमारे लोग ये अलग अलग रहेगा तो मैं सत्ता पर काबिज रहूंगा। कांग्रेस जाएगी तो BJP आएगी, कांग्रेस ही बनाया था RSS, RSS को कहा कि पक्ष और विपक्ष ब्राह्मण ही होना चाहिए, तो कांग्रेस बनाया RSS, RSS को कहा कि जनसंघ बनाया, जनसंघ के बाद बना जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद बन गया भारतीय जनता पार्टी, EVM लाया कांग्रेस, BJP इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस जो घोषणा किया वो BJP कर रही है, दोनों सेम है, दोनों अपने आप में लड़ता भी है। राहुल गांधी को पैथी निकाला था परिवर्तन यात्रा, उसमें भी केस हुआ कि संसद भवन से हुआ, ये सब नौटंकी होता है। अच्छा, ये आम जो पब्लिक से पूछेगा ना, अरे कांग्रेस वहाँ जीत रहा था BJP कैसे जीत गया जी, बोलता ना, तो उसको मालूम ही नहीं है कि कांग्रेस और BJP क्या है। दोनों आपस में करते हैं। अब मौसेरा भाई, हाँ जी, छोड़ मौसेरा भाई, अच्छा, एक नागनाथ एक सांपनाथ। 31 जनवरी को हम लोग दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरेंगे, 5-4 लाख हम लोग जुटेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 85 बोल 85 बोल 85